विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दिए जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच दीपावली से पहले 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा 30 स्थानों पर बम स्फोट किए जाने से संबंधित ईमेल केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, महासंचालक रेलवे सुरक्षा दल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह सचिव सहित कुछ राजनीतिक नेता और आला अधिकारियों को भेजे गए थे, जिसके बाद नागपुर पुलिस सतर्क हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ईमेल भेजने वाले युवक की भी पहचान कर ली है। वह अर्जुनी बोरगांव गोंदिया निवासी बताया जा रहा है। ईमेल में जगदीश ने कहा कि उसे 28 अक्टूबर तक फड़वे से नहीं मिला गया तो वह अपने 5 साथियों के साथ गृह मंत्री के नागपुर के धर्मपेट स्थित घर के सामने धरना देने की तैयारी कर चुका है। फडणवीस के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके संपूर्ण देना है। इसके बाद से आतंकवादी विरोधी दस्ता, गुप्तचर एजेंसी और शहर पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके चलते फडणवीस के घर के पास पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति जगदीश का पता चला है, उसकी खोज की जा रही है। जगदीश की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि उसने ऐसे ईमेल क्यों, कैसे और किसके कहने पर किए है। इस हरकत में उसके साथ कौन कौन शामिल है, आगे की जाँच पुलिस कर रही है।